तो मैं आपको दिखाता हूँ कि ये गरम कितना है। देख रहे हो पानी के जो बुलबुले उठ रहे हैं, कितने गरम में लड्डू बन रहे हैं। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू मनकिट्स लिटिल वर्ल्ड। आई होप आप सभी, वी होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज नानी माँ बनाने जा रही है पिन्नी। हाँ, तो आज नानी बनाने जा रही है अलसी की पिन्नी, जो विंटर्स में बहुत अच्छी रहती है, दूध के साथ खानी चाहिए, रोज की एक। लेकिन उससे पहले वी हैव समथिंग टू कन्फेस कि जैसा लास्ट टाइम आपने देखा था कि हमसे नहीं, एक्चुअली अंकित से एक ब्लॉग डिलीट हो गया था और हम बहुत दुखी हुए थे। इसी तरीके से इस बार हमारे दो ब्लॉग डिलीट हो चुके हैं सिर्फ अंकित की मेहरबानी से। पता नहीं अंकित क्या हर बार कैसे कंफ्यूज हो जाते हैं, अंकित को गलत फोल्डर ओपन हो जाता है जहाँ से डिलीट करना पड़ता है, जो भी है। लेकिन हुआ यही है कि हम बहुत दुख से ये कह रहे हैं, कि हमारे दो व्लॉग्स डिलीट हो गए हैं। तो इस व्लॉग में जो हमारा एक जो डिलीट हो गया उसमें ये था कि हम पूरी प्रेपरेशन कर रहे थे, कि पूरा सामान लेने गए थे मार्केट में, कि अलसी की पिन्नियों का हमें इजीली नहीं मिल रहा था। हमने बहुत स्ट्रगल किया उस सामान के लिए, वो बहुत अच्छी वीडियो थी, बहुत अच्छा व्लॉग था। अब डिलीट हो गया तो कोई बात नहीं, हमें चलते रहना, हारेंगे नहीं, हिम्मत से मर जा तो मदद है खुदा। अगली बार ध्यान रखना, अगली बार व्लॉग डिलीट हुआ ना फिर देखना। मैंने मौका मिल गया इसको टोन मारने का। ठीक, ये इतना अच्छा व्लॉग था। चलो एनीवेज कोई बात नहीं। अभी लेकिन अंकित बाहर गए हुए थे थोड़ा, अंकित को मैं बार बार फोन कर रही थी जल्दी आओ नानी शुरू कर रही, क्योंकि नानी को जल्दी जल्दी काम करना था। विंटर्स है ऑफकोर्स, नानी को सर्दी बहुत है, तो नानी बोले मैं फटाफट से फ्री होके बैठूं। तो नानी ने बनाना शुरू कर दिया, तो दो स्टेप हम उसके कैप्चर नहीं कर पाए क्योंकि अंकित अभी आए हैं। नानी ने पहले जो पिसी हुई मूंग की दाल थी उसको देसी घी में अच्छे से भूना है, फिर उसके बाद पिसी हुई अलसी को देसी घी में अच्छे से भूना है। अब नानी जो है किचन में गुड़ को क्या कर रही है, गरम कर रही है, गुड़ को गरम कर रही है। फिर वो गुड़ को जब गरम हो जाएगा तो उसमें सारा मिक्सचर ऐड कर देंगे। तो अभी आपको हम दिखाते हैं जो नानी के अगला प्रोसेस दिखाते हैं। बस मेरा हाथ उससे पहले, लेकिन उससे पहले ना मेरा आज मन कर रहा है कि इस वाले व्लॉग में ना मैं वो पहनूं, क्या आपने मेरे को बर्थडे पे वो वाली हुडी दी थी ना, पहनो जाओ। ओके बाय भागो। केविन और मानसी दोनों मम्मी से बात करते हुए, अभी दाल गुड़ में जाती हुई अलसी दाल। अब नाना जी स्पेशल बादाम आएगी यहाँ पे। लड्डू नहीं बनाने हैं, मिक्स कर, मैं करता हूँ मिक्सिंग। मानसी लेना फोन। मैंने एक भी ग्रह नहीं बाहर। तो ये बहुत पहलवान बंदा बुलाया गया है इसको मिक्स करने के लिए। और पहलवान जी कराए थे ले अंदर नानी कहते। बंद कर दूं गैस। ये सोच से ज्यादा गर्म है। वो चद्दर भी छालो पहले। नाना कोई नहीं, अब जो गिर। अरे नहीं नानी बोल रहे हैं उसके बाल है ना नीचे। आप देख सकते हैं कि गर्मा गर्म इसको बेलने के लिए हाथ देखो जैसे पूरे लाल लाल हो गए। आप दादी के लिए हाथ दिखाना, आप दिखाना, ये देखो मुझसे लड्डू उठाए नहीं जा रहे, नानी जी पूरे लगे हुए हैं कंटिन्यू गर्मा गर्म लड्डू में, देखो इतने गर्म गर्म। और एक प्लेयर आउट हो चुका है नानू पापा रिटायर हो गया। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि ये गर्म कितना है। देख रहे हो पानी के जो बुलबुले उठ रहे हैं, कितने गर्म में लड्डू बन रहे हैं। तो ये बन चुके हैं अलसी के लड्डू गर्मा गर्म, हाथ भी अब ठीक हैं, मस्त। अब इसका टेस्ट करेंगे, देखते हैं कैसे बने। मेहरबान करदान साहिबान, आइए खाइए अलसी के लड्डू, ऐसे लड्डू। काम हो ना हो, काम खत्म होने के बाद अपन बैठ जाते हैं, लेकिन काम खत्म होने के बाद नया काम चालू हो जाता है। साफ सफाई का सारा। ओ भाई, अरे
हाथों की कई अलग बड़ी मेहनत लगती है इनको बनाने में। तो ये गुनगुने पानी से हाथ इसलिए धोने चाहिए क्योंकि अपने हाथ पहले ही गर्म गर्म होते हैं तो अचानक से ठंडे हाथ धोलेंगे तो सर्द गर्मी हो जाएगी, है ना। इसीलिए जब भी आप बनाओ तो हाथ को गुनगुने पानी से ही साफ करना। कोई भी उठाओ सब में टेस्ट एक ही है लड्डू में। मजा आ गया, मीठा एकदम परफेक्ट है, मीठा बिल्कुल ठीक है। थोड़ा थोड़ा मैं नहीं, मीठा थोड़ा नहीं है। अब मैं खाऊंगा लड्डू। बहुत स्वाद, बहुत बढ़िया, मीठा बिल्कुल परफेक्ट है और टेस्ट एक नंबर लाजवाब। वाह 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 वाह। नानी बोले इतनी मेहनत की है, ना हर बाइट के साथ एक नया स्वाद, मतलब मजा आ रहा है, और गरम गरम दूध के साथ तो और भी अच्छा लगेगा। तो भाई लड्डू बने एक नंबर, आप जरूर अपने घर में बनाना और इसको सर्दियों में जरूर खाना क्योंकि सर्दियों के लिए बड़े फायदेमंद होते हैं ये। तो इसी के साथ इस व्लॉग को हम यहीं पे खत्म करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना।